लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं सानिया जैन। आई नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से वाम दलों ने दबदबा कायम रखा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पद पर वाम दलों के संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। सभी चार सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दूसरे स्थान पर रहा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के लॉन्चिंग पैड से आतंकियों के घुसपैठ का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय फौज ने 12 और 13 सितंबर को बॉर्डर एक्शन टीम BAT की कई घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। भारत ने मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के उस दावे का मंगलवार को खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकिर नायक के प्रत्यर्पण का उनसे अनुरोध नहीं किया है। भारत ने कहा कि पिछले महीने जब रूस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो ये मुद्दा उठाया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खंडोरी के सेमरा गांव में 9वीं की छात्रा के अपहरण के बाद बवाल हो गया। गुस्साए 200 लोगों ने सामुदायिक विशेष के दुकानदारों पर हमला बोल दिया। बलवाइयों ने 15 दुकानों में आग लगाते हुए 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान को दिल्ली में खान मार्केट के एक दुकानदार ने मोम का लेप लगा हुआ सेब बेच दिया। इस बात की खबर मंत्री को तब लगी जब वह सलाद बनाने के लिए इसे काट रहे थे। इसके बाद जांच टीम ने उस दुकान में अनेक कमियां पाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में खुला वातावरण है, वहां शांति का माहौल है। शाह ने कहा कि 5 अगस्त से 17 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली और ना ही किसी नागरिक की जान गई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई देना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी मोदी जी का नाम ही भूल गए। जब उन्हें नाम नहीं याद आया तो वे मीडिया के सामने ही नाराज हो गए और आगे चले गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ रहा है। छतरपुर में एक 32 साल के व्यक्ति ने बलात्कार का दोषी ठहराए जाने और 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को छतरपुर के अदालत परिसर के अंदर जज के सामने ही अपना गला काट लिया। अदालत परिसर में हथियार वे अपने साथ लाया था। गंभीर रूप से घायल इस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ के कारण शहरी इलाकों और कई गांवों में पानी घुसने लगा है। घरों में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पब्लिक सेक्टर की एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर बड़ी बैठक करेंगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-2019 में एयर इंडिया को 8,400 करोड़ रुपए का जबरदस्त घाटा हुआ था। ये आंकड़े हाल ही में सार्वजनिक कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री की ये बैठक अहम मानी जा रही है। देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।